नमस्कार साथियों, यूनिट 2 DSTL की हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स, और इसमें एक मेजर टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया था बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन को अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया था। तो बाइनरी ऑपरेशन को का जनरल नोटेशन हम ये यूज करके चलेंगे, स्टार। ठीक है, इट कैन बी एनी टाइम, इट कैन बी प्लस माइनस, कभी हो सकता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो, कभी डिवाइड्स हो, और जो भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है अलग अलग हो सकते हैं ऑपरेशन से। आज हम देखते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो अ सेट अलोंग विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस, इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, suppose capital A is a set and one binary operation that is denoted by this star is there. It's an algebraic structure. There is no restriction. Binary operation, we can have more than one binary operation, no problem. This is also a binary algebraic structure. One set is there, A is a set, and these are two operations, two binary operations. ये दो binary operation है यहाँ, और यहाँ पे ये एक operation है, A is a सेट। और सेट कैसा है? नॉन एम्प्टी सेट है। खाली सेट पे तो क्या बातें होंगी, कुछ कोई ऑपरेशन नहीं लग पाएगा ना। तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। हियर आल्सो नॉन एम्प्टी सेट। डेफिनेशन में भी कर सकते हैं कि एक सेट है, बेसिकली हम सेट की बात कर रहे हैं, और वो सेट होना कैसा चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, कुछ एलिमेंट होने चाहिए उसमें। A non-empty set along with one or more binary operations is called algebraic structures. It means we are putting together set and the operation, binary operation. उस set के elements पे ये binary operation लगेगा। तो ये चीज, ये दोनों चीजों को एक साथ में रख के, और नोटेशन, तो नोटेशन यही है, एग्जाम्पल में बता ही दिए हैं। नोटेशन इसका क्या होता है कि पैरेंथेसिस, और यहाँ पे लिखेंगे हम सेट एंड कॉमा बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर ऑपरेशन होंगे, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एंड उनको हम सेपरेटेड बाई कॉमास, कॉमा लगाते जाएंगे, और एक से ज्यादा होंगे तो लिखते जाएंगे। जैसे यहां पे स्टार इज अ वन बाइनरी ऑपरेशन, स्टार डैश इज अनदर बाइनरी ऑपरेशन, एंड नॉन एम्प्टी सेट इज ए, एंड कीपिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर
makes an algebraic structure. In shortcut, you can say AS, algebraic structure. Sometimes it is also called algebraic system. Algebraic system. So these two terms are used synonymously. There must not be any kind of confusion. Now, keeping ahead. तो आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे algebraic structures में DSTL और algebraic structure is continued. ठीक है, सी एन टी डी ऐसे लिख देते हैं ऐसे. तो सिंगल सेट हैविंग सम एलिमेंट एंड वन बाइनरी ऑपरेशन, वन सेट एंड वन बाइनरी ऑपरेशन, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स में हम लोगों को पढ़ना है. ग्रुपॉइड, then semi group, then next is monoid, then group. के बाद में हमें पढ़ना है अबेलियन ग्रुप. और अनदर नेम ऑफ अबेलियन ग्रुप इज कम्यूटेटिव ग्रुप. दीज आर फ्यू अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स विच आर हैविंग वन सेट and one binary operation, one non-empty set and one binary operation. according to the properties of this binary operation, the name of algebraic structure, they all are algebraic structures, name changes according to their properties. First algebraic structure, groupoid. Let us see what is groupoid. A binary operation. This. Together with a non-empty set suppose A is called groupoid if this operation star, that binary operation into consideration, जो binary operation हमारे अभी इस consideration में लिया गया है ये वाला, follows closer property. It means
algebraic binding operation this together with non-empty set this. It means our algebraic structure is A and star, and this A star algebraic structure is groupoid. If and only if दो एलिमेंट अगर लिए जाएं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, इस कैपिटल ए सेट से अगर दो एलिमेंट ले लें देन ए एंड ये ऑपरेशन लगा दिया जाए, बाइनरी ऑपरेशन है इसीलिए हमने दो ऑपरेंड लिए हैं यहाँ कैपिटल ए सेट से, और ए स्टार बी लगाया जाए तो मान लो कि ये कोई एलिमेंट सी की तरह आ गया, तो ये जो ए स्टार बी है ये भी जो निकल के जो आएगा ये पूरा दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, यानी आउटपुट इज क्लोज्ड इन दैट सेट, दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी. आउटपुट इज क्लोज्ड इट मीन्स इनपुट्स ए एंड बी, इनपुट्स ए एंड बी आर कमिंग फ्रॉम द same set and operation is being performed, and after that operation A star B this result is also in set A. The set of the algebraic structure. So if it is like that then it is called groupoid. Now moving further, what is subgroup? Sorry, semi group. सब ग्रुप की तो बात तब होगी जब हम ग्रुप पे पहुंचेंगे. ए स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ फर्स्ट A star B must also lie in A, that is closure property, and the second there is an element, there exists an E belongs to set A, यानी जैसे हमने A और B element set A से लिए थे वैसे ही एक element हम E, एक element है जिसको कि हम symbolically E बोल रहे हैं, उसके लिए symbol हमने E बनाया हुआ है कि एक element इसी set का ही element होगा ये E, such that A star E is equal to A, और ऐसा for all small a belongs to A, यानी capital set A के अंदर जितने भी element हैं A, A की जगह कुछ भी replace कर दो तो वही element आएगा, मतलब सभी A के लिए है, एक particular A के लिए नहीं है, तो इसीलिए तो एक element के सहारे हम for all करके और इस तरह से उस अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं. तो दिस इज दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी.
आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी की क्या खासियत है? आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी की खासियत है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर यहाँ अप्लाई हुआ, उस आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ में जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है, वो गिवन बाइनरी ऑपरेशन अगर आपने अप्लाई किया तो वो एलिमेंट ही रिटर्न हो जाएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो एलिमेंट दूसरा उसके अलावा जो जिसके साथ में उसको अप्लाई किया जा रहा है उसको इंटैक्ट वही रहने देता है, यही आइडेंटिटी एलिमेंट की पहचान है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इट मींस कि ऑपरेशन होने के बाद में जो अदर देन ईथा एलिमेंट उसकी आइडेंटिटी बरकरार रही, बिल्कुल उसकी आइडेंटिटी रिमेन्स एज इट इज ए ही है। दैट्स व्हाई स्मॉल ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ई को हम आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट। These two properties are being followed in semigroup. For we can take one example, one very simple example. Set of, suppose R is a set of real numbers. Here we are talking about set A. R is like set capital A, and we are replacing this binary operation with this plus. So, if we take any element, any two elements A and B from this R and apply this, then A plus B operation laga diya jaye, then obviously A plus B is also we can find in this R. It means A plus B is also in R, set of real numbers. So क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है, यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट ए स्टार बी, यहाँ पे स्टार की जगह प्लस था, ठीक है। एंड फॉर ऑल, ऐसा सभी ए दो, कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी पेयर ले लिया जाए, पेयर का मतलब दो एलिमेंट, और बीच में ऑपरेशन लगाया जाए तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो ए में ही मिलेगा। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ये लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे बात हमने की थी सिंपल ए के एलिमेंट की, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कर दिया था। मतलब जो भी एलिमेंट सिंबॉलिक तरीके से, जो भी एलिमेंट जितने भी लिए जाएं, तो उनके लिए ब्यौरा लिख दीजिए कि वैसा ही अगर पूरे सेट में हर जगह फॉलो हो रहा है, चूँकि पूरा रूल बनना है वो, तो इसलिए ये वाली लाइन इसलिए ज़रूरी होती है ये, अदरवाइज चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। ये आप खुद फील करके देख लीजिए, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नियम है और बाकी के लिए नहीं है तो नहीं हो पाएगा ना, सबके लिए होना चाहिए, तभी तो रूल बनता है। और आप देख सकते हैं कि आर के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जीरो, कि आर के अंदर का कोई भी एलिमेंट, एनी ए बिलोंग टू आर, अगर हम ए प्लस जीरो कहने तो दैट इज ए। यानी ए एंड अप्लाई करें उस ऑपरेशन को, स्टार को, एंड वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके साथ में अप्लाई करें तो ए वही आ जाए। यानी ए प्लस जीरो करेंगे तो ए ही आ जाएगा। तो इट मींस यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या है वो, जीरो है। तो ये कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जब क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो आर एंड दिस प्लस इज अ सेमीग्रुप। सो यहाँ पे लिख दूँ जरा सा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी समझने में, आप देख लीजिएगा ये यहाँ से चल रहा है, आर एंड बाइनरी ऑपरेशन हमारा प्लस है, यहाँ इज अ सेमीग्रुप, ये सेमी ग्रुप है। अब सेमी ग्रुप में दो दो प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी अगर और ऐड हो जाएगी तो आगे वो चीज़ मोनोइड बन जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे हम चीज़ें और भी देख रहे हैं कि हाँ
क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें। अच्छा, एक प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी रह गई है, एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी को भी देखना है। ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ही होती है सेमी ग्रुप में, दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो क्लोजर और एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मीन्स इस तरह की प्रॉपर्टी की ए स्टार बी स्टार सी इज नथिंग बट ए स्टार बी स्टार सी। अब इस तरह से लगा है तो आप बी एंड सी को पहले एसोसिएट कर सकते हो, या ए एंड बी को पहले एसोसिएट करिए और रिजल्ट पाइए, और फिर उसके बाद में ए के साथ में, और तो दोनों ये बातें एक ही होंगी। अगर ऐसा है तो इसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। ठीक है, और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जो सेट हमने कंसीडर किया है उस सेट में, अल्जेब्रिक सिस्टम हमारा ये है मेन। तो क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है तो उसी को हम कहते हैं सेमी ग्रुप। तो यहाँ पर भी एसोसिएटिव कोई भी दो एलिमेंट ले लिए जाए तो आप देख सकते हैं कि आर से कोई भी दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट अगर है तो ए प्लस बी प्लस सी कहा जाए एंड दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी, तो इट मीन्स ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि आर प्लस इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, ये सेकंड वाला है ये। ठीक है, ये वाली बात नहीं थी, ये मोनोइड के लिए, अगले नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो इसको ज़रा सा रिपीट मैं कर देता हूँ। सेमी ग्रुप को अगर लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, सेमी ग्रुप ए स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ पहला कि ए कॉमा बी दो एलिमेंट लिए जाएं कैपिटल सेट ए से, देन ए स्टार बी ये भी ए में हो, क्लोजर प्रॉपर्टी। और ब्रैकेट में इस प्रॉपर्टी को लिख देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और सेकंड, अगर हम तीन एलिमेंट ले रहे हैं ए बी और सी बिलोंग्स टू ए, देन ए स्टार, अब स्टार कुछ भी हो सकता है, बी स्टार सी लिखा जाए, यानी बी और सी को पहले सॉल्व कर लिया जाए और ए के साथ में बाद में ऑपरेशन लगाया जाए तो भी वही चीज़ मिलेगी। ए स्टार बी कर लिया जाए पहले एंड स्टार सी लगा दिया जाए, ये ठीक है। और ऐसा क्या है, क्यों होना चाहिए ये, फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये पहले वाली प्रॉपर्टी भी और यहाँ पर भी फॉर ऑल ए बी एंड सी, तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसा सभी के लिए होना चाहिए। अच्छा, मोनोइड क्या होता है, अ सेमी ग्रुप विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड मोनोइड। ये मोनोइड, इट मीन्स अगर सिम्बोलिकली हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि
सो ए एंड स्टार ये इज मोनोइड इफ क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ए एंड बी अगर बिलोंग्स टू ए हैं देन ए स्टार बी बी ए को बिलोंग करे क्लोजर प्रॉपर्टी याद ही हो गई होगी अभी तो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू ए है देन ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी दो दो बार लिखने का क्या मतलब है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बी और सी को एसोसिएट कर लीजिए और फिर ए के साथ में ऑपरेट करिए तो भी वही रिजल्ट आएगा या तो आप पहले ए और बी के एसोसिएशन में यहाँ पे लगाइए ऑपरेशन और फिर जो रिजल्ट आए उसके अंदर उसके साथ में लगाइए सी तो एक ही रिजल्ट आएगा तो इसी को हम कहते हैं और फॉर ऑल ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए और यहाँ पर भी लिखेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज कि ए ऑपरेशन की उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में अगर लगा रहे हैं या आइडेंटिटी एलिमेंट पहले है और बाद में ए लगा रहे हैं तो हमेशा ए ही आएगा ठीक है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इसी को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी यानी इस प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी इसीलिए कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी एलिमेंट ए का मतलब कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट उस एलिमेंट को हम वो जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो ऑपरेशन लगा रहे हैं और आइडेंटिटी के साथ में अगर लगा रहे हैं तो वो एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा खुद चाहे आइडेंटिटी को राइट साइड से लगाएं चाहे लेफ्ट साइड से लगाएं आएगा ए तो आज के लेक्चर में अभी यहाँ पे एंड करते हैं हमने तीन स्ट्रक्चर पढ़े हमने पढ़ा ग्रुप वॉयड सेमी ग्रुप दूसरा है ये एंड तीसरा है मोनोइड देख लीजिए पहला हमने पढ़ा था ग्रुप वॉयड फर्स्ट हमने ग्रुप वॉयड पढ़ा था दूसरा सेमी ग्रुप और तीसरा मोनोइड तो ये तीन स्ट्रक्चर हमने पढ़े डिटेल में हम आगे की फर्दर स्टडी कल करते हैं थैंक यू वेरी मच